देखो एक्सपोनेंट कल ही बताए थे कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? वन। पता है ना, कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर जीरो होगा तो वो वन होगा। अब जैसे क्वेश्चन मान लो कि दिया हुआ है 4/9 इंटू इसका पावर दिया हुआ 4/9 टू दी पावर 6 4/9 का पावर -4। अगर दोनों का बेस सेम है, देखो 4/9 यहाँ भी है 4/9 और अगर दोनों का बेस सेम हो और दोनों मल्टीपल में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो जो पावर होगा ना उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है? मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 4/9 6, और चूंकि यहाँ -4 है तो यहाँ पे -4, तो कितना हो गया 4/9 का पावर कितना हो गया 2, मतलब 4/9 इंटू 4/9 16/80/2। अगर लेकिन ये कब करेंगे, जब दोनों का बेस सेम हो। तो जैसे अगर मान लो कि हम लिखे -7/8 टू दी पावर -3 और फिर यहां लिखे 7/8 पावर 2, क्या करेंगे? पहले देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है -7/8 और यहां पर भी -7/8, दोनों का बेस सेम है, यहां पर लिखेंगे -7/8 और पावर जो है वहां पर लिखेंगे -3 + 2। देखो -3 है प्लस 2 है, तो कितना हो गया -7/8 और ये कितना हो जाएगा -1 तो है पावर पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे -8/7, क्लियर है? लेकिन अगर बेस सेम नहीं हो तो फिर सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि जैसे मान लो लिखा हुआ है 3/2 का पावर है 4, 1/5 का पावर है 1। अब यहां पर बेस सेम है नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहां पर लिखेंगे 3/2 कितनी बार, 3/2 ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 81/80, क्लियर? ठीक, अब और क्वेश्चन देखो। -3/4 टू दी पावर -3/4 है उसका पावर दिया हुआ है 3 और फिर यहां दिया हुआ है -5/2 और इसका पावर दिया हुआ है 3।
और फिर यहाँ पे है 4 का स्क्वायर, ठीक। तो पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -3/4 का पावर 3 है, तो डायरेक्ट लिखो -3 × -3 × -3 और नीचे में 4 × 4 × 4, इसको तुम ब्रैकेट में ही लिखो। चलो वैसे -3/4 × -3/4 एक ब्रैकेट में ले लिए और फिर क्या लिखेंगे, -5/2 × -5/2 × -5/2 और फिर यहां पे × 16 का स्क्वायर कितना आता है 16। अब यहां से 1, 2, 3 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -27/64 फिर माइनस यहां कितना आएगा -125/8 × 16। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं तो यहां पर लिखेंगे -27/64 और यहां से माइनस माइनस प्लस 125/8 और फिर इंटू में कितना है 16। इन दोनों का एलसीएम बताओ, 64 और 8 का एलसीएम कितना होगा 64। तो हम डायरेक्ट कर ले, यहां पर लिख सकते हैं 64। अब 64 के टेबल में 64 वन टाइम में आता है तो -27 × 1 प्लस 125 × 8 कितने बार में 8 टाइम्स में, और यहाँ पे 8 में कितना था आपका 16 है ना। ये देखो 64 और 16 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आपस में कटेगा कितनी बार में 4 बार में, इसको 4 टाइम में काट देंगे। तो यहां पे कितना है -27 + 1000/4 1000 में से 27 माइनस कर दो कितना आ गया 973/4। क्लियर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग ट्राई करना। देखो सबसे पहले तो हम बताएंगे कल कि अगर 5 to the power -1 है इसका मतलब होता है 1/5 1/7। एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है 5 × 7 = 35, ऊपर में क्रॉस 7 × 1 = 7 − 5 − 1 नाउ गेट 2/35
पावर माइनस वन, उल्टा कर दिए 35 by 2 हो गया। पावर माइनस वन, वन बाय फोर माइनस वन, इसका होल टू द पावर माइनस वन। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको तो लिखेंगे हम लोग 3 by 4, उल्टा कर दिए, फिर इसको लिखेंगे 4 by 1 माइनस वन। अभी बोले ना कि अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा तो नीचे में सामने सामने ऊपर में क्रॉस, तो नीचे में ये इससे होगा तो हो जाए आपका कितना, यहाँ पर हो जाए 4, यहाँ पर 3 माइनस 16 माइनस वन, ठीक है, मतलब माइनस 13 by 4 माइनस वन, कितना लिखेंगे इसको, माइनस 4 by 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री बाय टू माइनस वन डिवाइड है यहाँ पे 2 by -2 by 5 माइनस वन, पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, मैं लिखेंगे 2 by 3 यहाँ पे डिवाइड का साइन तो डिवाइड दे देंगे, और फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे -5 by 2, डिवाइड करना आता है ना, तो क्या लिखेंगे 2 by 3 मल्टीप्लाई का साइन देगा, फिर इसको उल्टा करेंगे -2 by 5 2 into 2 -4 -4 by 15 ठीक है। -1 by 4 टू दी पावर 2, फिर उसका पावर -2, ठीक है, फिर उसका पावर -1 इस तरीके से, फिर उसका पावर जितना भी पावर है उससे मतलब नहीं है, तो पहले तो तुम ऐसे लिख देना -1 by 4 और जितना पावर ऊपर पावर ऊपर पावर है ना सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 देखो पहले 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस है तो प्लस 2 2 4 -1 by 4 का पावर 4 करने आता है, देख लो करके दिखाओ, -1 by 4 -1 by 4 -1 by 4 -1 by 256, ठीक है। वैसे ही देखो, अभी हम बताया तुम्हें कि अगर सेम बेस रहे और मल्टीप्लाई रहे तो पावर को हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, सेम बेस रहे और मल्टीप्लाई रहे, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 2 by 3 का पावर मान लो कि -2 into 2 by 3 का पावर 4,
तो सेम बेस है और आपस में साइन बीच में क्या है मल्टीप्लाई किया, तो पावर को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे 2/3 और फिर यहाँ पर लिखते थे -2 और जो पावर है उसको प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों में सेम बेस हो और डिवाइड हो तो माइनस कर देंगे, सेम बेस हो और डिवाइड हो तो पावर को आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर मान लो कि लिखा हुआ -3/2, ठीक है, -3/2 का पावर है 3 और डिवाइड है -3/2 का पावर है 6, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे -3/2 power 3 -6 डिवाइड है तो पावर माइनस हो, इसका मतलब यह -3/2 power -3। फिर पावर माइनस में आ गया तो इसको रेसिप्रोकल कर देगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब गया -2/3 का पावर 3, इसका मतलब कितना हो गया -8/27। वैसे ही अगर रहे मेरे पास -2/3 to the power 7 divide -2/3 to the power 3 4, कितना होगा जल्दी से बोलो तो -2/3 फिर आप लिखेंगे 7 - 4 कितना हो गया -2/3 का पावर 3, इसको 3 बार लिखेंगे -2/3 - 2/3 - 2/3 - 8 - 27 क्लियर सही में आया। चलिए इसको तुम लोग ट्राई करना और आगे कल बताते हैं।